नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक जापानी कविता जिसका नाम है वाताशी तो कोतोरी तो सुजु तो, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसकी कवयित्री हैं कानेको मिसुजू। इनका जन्म 1903 में हुआ था और इनका निधन 1930 में हुआ था। करीब 26-27 साल के जीवन काल में उन्होंने कई सारे प्रभावशाली कविताएं लिखी हैं और मेरी ये कोशिश है कि मैं उन कुछ चुनिंदा कविताओं को आपके सामने प्रस्तुत करूं और इसके द्वारा जापानी भाषा के कुछ शब्दकोश वगैरह भी आपको सिखा पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाताशी का रियोते हिरोगेते मो ओसोरा वा चित्तो मो तोबे नाएगा तोबेरु कोतोरी वा वाताशी नो योनी जीबेताओ हायाकु वा हशिरे नाए। तो इसका अनुवाद है कि मैं अपने दोनों हाथों को फैलाने पर भी आकाश में थोड़ा सा भी उड़ नहीं पाऊंगी, लेकिन उड़ने वाली छोटी चिड़िया मेरी तरह सड़कों में जल्दी दौड़ नहीं पाएगी। वाताशी का कारादा युजुत्ते मो किरी न होतो वादेनाई के दो आनो नारू सुजुआ वाताशी नो योनी ताकसान न होता वा शिरानाई हो। मैं अपने शरीर को हिलाने से भी वो प्यारी सी सुंदर ध्वनि नहीं निकाल सकती, लेकिन वो बजने वाली घंटी मेरी तरह बहुत सारे गीतों को नहीं जानती। सुजु तो कोतोरी तो सोरेकारा वाताशी मिन्ना चिगाते मिन्ना ई। घंटी, छोटी चिड़िया और फिर मैं, सभी अलग हैं, सभी अच्छे हैं। तो ये है ये कविता। इनमें से कुछ शब्दकोश, जैसे कि वाताशी का मतलब है कि मैं, रियोते का मतलब है दोनों हाथ। इसमें जो और एक जो है हिरोगेते मो जो यूज़ किया गया है, उसका जो मूल शब्द है उसका हिरोगारू। तो हिरोगारू का मतलब है फैलाना, ओसोरा का मतलब है आकाश, बेनाई का मतलब है नहीं उड़ पाना, और उसका मूल जो शब्द है वो है तोबेरू, तोबेरू का मतलब उड़ना, और कोतोरी का मतलब है छोटी चिड़िया, जीविता का मतलब है सड़क, हायाकू का मतलब है जल्दी, हाशिरनाई यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, हशिरु का मतलब है दौड़ना और हशिरने का मतलब है नहीं दौड़ पाना। और उसके अगले स्टैंजा में कारदा का मतलब है शरीर, कीरे का मतलब है सुंदर, ओतो का मतलब है ध्वनि, तेरू का मतलब है निकलना और यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है देना ही, देना का मतलब इसका मतलब हुआ नहीं निकलना, नारू का मतलब है बजना, सुजु का जिसका मतलब पहले भी बताया गया उसका छोटी सी घंटी, उता का मतलब है गीत, तकसान माने बहुत सारे, हिरानाई का मतलब है नहीं जानना, और आखिरी शंजा में मिन्ना मतलब सभी, चिगाओ का मतलब है अलग और चिगाते का भी उसका ते फॉर्म है और ई का मतलब अच्छे। तो ये कुछ हो गया शब्दकोश की ज्ञान। इस कविता में मेरे अनुसार ये बताया गया है कि आपके पास जो विशेषता है वो किसी के पास नहीं है। दूसरों से तुलना करने से हमें ज़्यादातर दुख और कष्ट ही मिलता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि दूसरों की विशेषताओं से दुखी ना हो, क्योंकि आप में जो हुनर है वो उनमें नहीं है। तो इसलिए सब में अलग अलग विशेषताएं हैं, इस बात को सहजता से लें और क्यों ना हम अपने अच्छाइयों और हुनर को अपनी ताकत बनाएं और एक खुश और संतुष्ट जीवन बिताएं। यही बात कवयित्री इस कविता के द्वारा कहना चाहती है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।